अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम पढ़ेंगे कुरान एंड बायोलॉजी। ठीक है, कुरान और बायोलॉजी का आपस में क्या रिलेशन है। ठीक है, देखिए बायोलॉजी हमें पता है क्या है, स्टडी ऑफ लाइफ है। अब बेसिकली आज हमने ये पढ़ना है कि कुरान बायोलॉजी की कैसे वजाहत करता है, कुरान का और बायोलॉजी का आपस में क्या रिलेशन है, कुरान में बायोलॉजी के बारे में क्या बात बताई गई है, ज़िंदगी के बारे में क्या बात, किस चीज़ की वजाहत की गई है, कैसे वजाहत करता है बायोलॉजी की। ठीक है, देखिए जब अल्लाह ताला ने कुरान पाक नाजिल किया था उस टाइम पे अल्लाह ताला ने बहुत सी बातें बता दी थी, तकरीबन सारी बातें बता दी थी। ठीक है, उसमें अल्लाह ताला ने ये फरमाया था कि वी मेड एवरी थिंग फ्रॉम वाटर, कि हमने तमाम जो जानदार हैं ठीक है उनको पानी से पैदा किया है। अब कैसे, अब ये चीज़ तो अल्लाह ताला ने बहुत से सालों पहले कुरान पाक में बयान कर दी थी, लेकिन आज के दौर में साइंटिस्ट ने उसको अपने एक्सपेरिमेंट से प्रूफ किया। ठीक है, अपने एक्सपेरिमेंट करके उस पर कि वाकई ही ये बात सच है, वाकई ये बात है, वाकई ही जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो वाटर से प्रोड्यूस हुए हैं। अब बेसिकली आपको मैं एक बात बता दूँ कि जब यूनिवर्स बनी थी ना उस टाइम पे कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट नहीं करता था। ठीक है, कोई जानदार, कोई इंसान, कुछ भी चिरिंद परिंद कोई एग्जिस्ट नहीं करता था, सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्स पे एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते थे। एलिमेंट्स से कार्बन, एलिमेंट्स में कार्बन हो गया, ठीक है, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस, पोटाशियम, जितने भी ये सब हैं ये एलिमेंट्स वो एग्जिस्ट करते थे यूनिवर्स में। ठीक है, हुआ अब क्या कि इन तमाम एलिमेंट्स ने अपने आप को एक सर्कल में अरेंज कर लिया। ठीक है, आसमान से, साइंटिस्ट का ये कहना है कि आसमान से बिजली गिरी। ठीक है, तमाम एलिमेंट्स ने अपने आप को सर्कल में अरेंज कर लिया। अब उनमें एक हाइड्रोजन भी था और ऑक्सीजन भी था। अब बेसिकली आपको पता है कि जो वाटर है उसका फार्मूला क्या होता है, H2O। ठीक है, जब आसमान से आसमानी बिजली गिरी एलिमेंट्स के ऊपर, तो जो जितने भी एलिमेंट्स थे उन्होंने आपस में लिंकेज बना लिया। उसमें हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ लिंकेज बनाया तो हमारे पास क्या बना, वाटर बना। ठीक है, फिर उस वाटर से सबसे पहला एक बैक्टीरिया, साइंटिस्ट के मुताबिक एक बैक्टीरिया पैदा हुआ, उससे फिर आगे लाइफ जो है वो शुरू हुई। इससे बैक्टीरिया जो है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। सबसे पहले साइंटिस्ट ने बोला कि सबसे पहले पानी से, वाटर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म बना, बैक्टीरिया बना, उसके बाद जो है वो आस्ता आस्ता जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म बने और टिल ह्यूमन बींग बने। ठीक हो गया, अब देखिए इस चीज़ की इस तरह भी वजाहत होती है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने हर चीज़, हर जानदार जो है वो पानी से पैदा फरमाया। अब जैसे फीमेल एंड मेल के सेल्स हैं वो आपस में मिलते हैं, उससे जायगोट बनता है। ठीक है, फर्दर फिर उसकी डेवलपमेंट होती है, देन बेबी की बर्थ होती है। ठीक है, तो इस तरह कुरान ने बायोलॉजी की वजाहत की है। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं मुस्लिम साइंटिस्ट की। अब जितनी भी मेडिकल की फील्ड्स हैं, ठीक है, स्पेस फील्ड है, जितने भी वर्क किया है उसमें मुस्लिम साइंटिस्ट जो हैं वो टॉप पे हैं। ठीक है, आप कोई भी वर्क देख लें, मेडिकल या साइंस की फील्ड में जितने साइंटिस्ट ने वर्क किया उसमें सबसे जो टॉप पे आते हैं वो मुस्लिम साइंटिस्ट आते हैं। ठीक है, मुस्लिम साइंटिस्ट में सबसे पहला जो नाम आता है वो है जाबिर बिन हयान। ठीक है, जाबिर बिन हयान पैदा हुए थे ईरान में। ठीक है, ही वॉज बर्न इन ईरान, और इसके बाद उन्होंने अपनी जो अपना जो वर्क किया था मेडिसिन के ऊपर, उस पर जो प्रैक्टिस की थी वो इराक में की थी। ठीक है, उन्होंने अपनी जो मेडिसिन की प्रैक्टिस की थी वो कहाँ की थी, इराक में। जाबिर बिन अयान एक केमिस्ट भी थे। ठीक है, उन्होंने केमिस्ट्री पे भी बहुत वर्क किया था। ठीक है, उनकी दो फेमस बुक्स हैं, उन्होंने दो बुक्स लिखी जो उनकी बहुत फेमस है, एक एनिमल्स पे और एक प्लांट्स पे। ठीक है, जो बुक उन्होंने प्लांट्स पे लिखी उसका नाम है अल नबातात। उसमें उन्होंने प्लांट्स के बारे में बात की, ट्रीज के बारे में बात की, फ्लावर्स के बारे में, प्लांट्स की मुख्तलिफ वराइटीज के बारे में, ठीक है, ईच एंड एवरी थिंग उन्होंने अपनी इस बुक में बात की है। इसके बाद उनकी जो सेकेंड बुक, फेमस बुक है, वो है अल हैवान, एनिमल्स के बारे में। ठीक है, उन्होंने एनिमल्स के फीचर्स के बारे में, ठीक है, मुख्तलिफ एनिमल्स कौन कौन से हैं, ठीक है, उनकी क्या उनमें चीज़ें पाई जाती हैं, वो सारी जो डिटेल है वो उन्होंने अपनी अल हैवान वाली बुक में लिखे हैं। ठीक हो गया, नेक्स्ट हमारे पास जो आते हैं अब्दुल मलिक असमाई। ठीक है, ये फर्स्ट मुस्लिम साइंटिस्ट थे जिन्होंने एनिमल्स के ऊपर रिसर्च की। ठीक है, तमाम साइंटिस्ट में फर्स्ट मुस्लिम साइंटिस्ट कौन थे, अब्दुल मलिक असमाई, जिन्होंने अब सबसे पहले एनिमल्स पे रिसर्च की। ठीक है,
इन्होंने बहुत सी फेमस बुक्स लिखी, कैमल्स पे, हॉर्स पे, मुख्तलिफ एनिमल्स पे इन्होंने बहुत सी बुक्स लिखी। लेकिन उनमें से जो 4 फेमस बुक्स हैं, ठीक है, वो कौन कौन सी हैं? एक है अल अबिल, अल खायल, अल वहूश, खालिकल इंसान। अल अबिल किस पे लिखी है, उसका मतलब क्या है? कैमल, ठीक है। अल खायल हॉर्स, अल वहूश मीन एनिमल्स, खालिकल इंसान अब ह्यूमन बींग्स, ठीक है। ये उनकी 4 जो है वो फेमस बुक्स हैं जो उन्होंने एनिमल्स पे लिखी हैं, ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास आते हैं 3rd साइंटिस्ट, हमारे पास आ जाते हैं भू अली सिन्हा, ठीक है। एक बहुत फेमस साइंटिस्ट हैं, अक्सर उकाद आपने इनका नाम सुना होगा, ठीक है। भू अली सिन्हा जो हैं उनको कहा जाता है फाउंडर ऑफ मेडिसिन, ठीक है, कि सबसे पहले मेडिसिन उन्होंने फाउंड की थी, ठीक है। वो उन मेडिसिन के ऊपर उन्होंने रिसर्चेस की थी, ठीक है। फिर उन्हीं मेडिसिन से उन्होंने उन मेडिसिन से उन्होंने ट्रीटमेंट किया था, ठीक है। इसलिए इनको कहा जाता है फाउंडर ऑफ मेडिसिन, फाउंडर ऑफ मेडिसिन। इसके साथ साथ जो भू अली सिन्हा थे वो एक पॉइट भी थे, ठीक है, बहुत अच्छे पॉइट थे वो। इसके साथ वो एक एस्ट्रोनॉट थे, ठीक है, जो जिसमें स्पेस की स्टडी की जाती है। इसके साथ वो फिलोसोफर भी थे, बहुत अच्छे फिलोसफी भी करते थे। इसके साथ साथ वो केमिस्ट भी थे, ठीक है, उन्होंने बहुत वर्क किया था केमिस्ट्री के ऊपर भी। अच्छा, इसके बाद भू अली सिन्हा ने एक कानून पेश किया था जिसको कहा जाता है अल कानून फी अल तिब, अल कानून फी अल तिब, ठीक है। ये बेसिकली मेडिसिन के ऊपर था, ठीक है, मेडिसिन के बारे में था। इसको कैनन ऑफ मेडिसिन भी कहा जाता है, ठीक है। ये कानून जो है भू अली सिन्हा ने पेश किया था, इसमें उन्होंने मेडिसिन के बारे में सारी स्टडी की थी, उसी बारे में सारी उन्होंने हदायत दी थी, ठीक हो गया। आज हमने बात की कुरान के और बायोलॉजी के रिलेशनशिप के बारे में, कि कुरान में जो है बायोलॉजी के बारे में क्या कहा जाता है। इसके बाद मुस्लिम साइंटिस्ट की बात की कि कौन जो 3 मुस्लिम साइंटिस्ट थे, ठीक है, बहुत फेमस थे, ठीक है, उनके बारे में बात की, उनकी जो फेमस बुक्स थी उनके बारे में बात की। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।